नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी। दोस्तों, जैसा कि बार बार मैं आपको नए नए टेस्टिमोनियल के बारे में बताता हूँ, नई नई वीडियो हम लेके आते हैं, तो आज हमारे साथ पेशेंट हैं विमी जी, जो दिल्ली से आए थे हमारे पास, और इनकी भी कुछ डिजीज थी जो कॉमनली आपके होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो उसके जो सिम्टम है वो बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपके पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, बार बार आप खड़े नहीं रह सकते, यही उसकी जो है समस्याएं हैं। ये कॉमनली एक समस्याएं होती हैं जो एक एज के बाद आपको दिखाई देने लग जाती हैं, लेकिन आप उनको बार बार इग्नोर करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं सुबह भी पेन किलर ले लूं, मैं शाम को भी पेन किलर ले लूं, अगले दिन फिर उठूं मैं पेन किलर ले लूं, और आपने अपने शरीर को इन दवाओं से ऐसे जकड़ लिया है कि न तो आप ठीक हो पाते न आप स्वस्थ हो पाते। तो मैम भी ऐसे ही थे कि इनको भी बार बार वही समस्याएं हो रही थी, और मैम जब स्टार्टिंग में बता रहे थे कि मेरे जो दूध देने आता है, सब्जी देने आता है, वो कभी ऊपर भी नहीं आ पाता है, वो नीचे से, उनको पता है कि मैम तो नीचे नहीं आ सकते, तो वो सब्जियां वगैरह मैं ऊपर ही पहुंचा के आए। तो दोस्तों, ये समस्याएं एक महिला को जब सामना करना पड़ता है, मैम के हस्बैंड जब रात को लेट हो जाते, तो सर ने भी बताया कि रात को ज्यादा लेट हो जाते हैं, हम रात को लेट कराते हैं, तो मैम खुद ही ये कह देते थे कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि खड़ा रहने की वो प्रॉब्लम थी। तो आप देख रहे हैं महिलाएं किन किन डिजीज से उनका सामना करना पड़ता है। ये सब सिम्टम जब मैम ने बताए, हमारे फोन पे सर से बात हुई, तो मैंने कहा मैम आप जल्दी से जल्दी जयपुर आ जाओ। तो सर ने और मैम ने दोनों ने बात मानी और नेक्स्ट डे हमारे पास जयपुर आ गए। उसके बाद में मैम ने यहाँ क्या एक्सपीरियंस लिए, क्या हमारे वो डिजीज के बारे में उनको बताया, ये सब चीजें हम पूछेंगे मैम से। तो नमस्ते मैम। नमस्कार। आप आए थे उस टाइम पे, आपको क्या क्या समस्याएं थी, हमारे सभी दर्शकों को आप बताएं। हाँ, मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि आप एक बारी जयपुर के वाइटल हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज के पास जरूर आइए, क्योंकि जिस समय मैं यहाँ पे आई थी मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे बहुत ज्यादा पेन था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरे हाथ उतने काम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि एक चम्मच उठाना भी मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन जिस दिन मैं डॉक्टर साहब के पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा बाकी सब तो छोड़ दीजिए, बस आप इतना काम कीजिए कि मैं खड़ी हो सकूं और मैं खड़ी होकर अपनी किचन में खाना बना सकूं। क्योंकि अक्सर ये होता था कि जब बच्चों को मैं वन बाय वन खाना खिला देती थी, जो घर के बुजुर्ग है, तो मैं उन्हें सबको एक साथ बिठा के खाना नहीं खिलाती थी, एक एक करके खाना खिलाती थी ताकि मुझे गैप मिल जाए रेस्ट करने का। लेकिन आज जब मैं अपनी कंडीशन देख रही हूँ तो सच मानिए जमीन और आसमान का फर्क है मुझे खुद में से। पहले यहाँ जब मैं आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, आयुर्वेद है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सी मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, लेकिन सच में यहाँ आना मेरे लिए बहुत वर्थ था। और मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं कुछ समय और पहले आती तो मुझे मेरी कंडीशन बहुत बेटर होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया। और बिल्कुल यहाँ आके आपको ये नहीं लगता कि आप घर से बाहर हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप घर में ही फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहे हैं, चाहे डॉक्टर पंकज हो, चाहे वंदना जी हो, चाहे डॉक्टर साहब का जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो सब इतने अच्छे हैं और इतने केयरिंग हैं कि आपको एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि आप अपने घर से बाहर हैं, ऐसे आप घर में ही हैं और आपको इतना अच्छा माहौल दिया जाता है कि आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी मेरी जैसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी से परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप एक बारी जरूर डॉक्टर साहब से मिलिए। धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मैम जिनको बार बार डर लगता है कि पता नहीं है वहां जाएंगे आयुर्वेद क्या थेरेपी करेंगे क्या करेंगे। तो जैसे थेरेपी में हम बैंक करते हैं जिसको मसाज बोलते हैं, फिर स्टीम भी देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें डरने वाली या ऐसी कोई बात होती है? जैसे कि मैंने कहा मेरे मन में भी यही था कि जाऊंगी पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट होंगी, और हम तो गृहणियां हैं, हमें सबसे पहले यही लगता है कि कहीं हम जाएं और पैसे खर्च हो जाए लेकिन आराम नहीं आए से। तो ये एक गृहिणी की जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है, मेरी भी यही होती थी कि भैया हम चले गए और हमने पैसे भी बहुत सारे दे देंगे और उसके बाद अगर आराम नहीं आया तो क्या करेंगे। इसी एक माइंडसेट जो होता है आयुर्वेद को लेके से कि हाँ पता नहीं क्या देंगे क्या करेंगे, कुछ काढ़े पिला देंगे या कोई चूरन पिला देंगे, तो वो चूरन तो जैसे कहते हैं ना नीम हकीम वाली बात हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में ये चलता रहता है। लेकिन सच मानिए नीम हकीम जैसी कोई बात नहीं। और अगर आप में कोई
जेनरली दिक्कत है, चाहे वो अब मेरे पास बहुत सारी दिक्कत थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई था, मेरी पेन बहुत ज्यादा हाई थी, मैं एकदम लथार्जिक थी, मुझसे कोई काम नहीं हो पाता था घर का, और मुझे चलने में जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी कि चलने में मुझे बहुत दिक्कत होती। लेकिन यहाँ जो मुझे ट्रीटमेंट दी गई या जो भी थेरेपी दी गई उससे मुझे इतना रिलीफ आया कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये सोचा कि भैया अब की बार देर नहीं करनी है, और इस बात को मैंने 10 लोगों से नहीं, 50 लोगों को नहीं, 1000 लोगों को बताना है जो मेरी बहने या मेरे भाई और ऐसे परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो वो इन परेशानियों से ना गुजर पाए। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि लोगों को पता नहीं है आपको कहाँ ट्रीटमेंट लेना है, तो अगर आप उचित ट्रीटमेंट चाहते हैं, उचित सलाह चाहते हैं, उचित परामर्श चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।